हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। वहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी तो आपको वजन के हिसाब से पूछा जाएगा, ग्राम के हिसाब से, है ना, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो वहां पर पूछा जाता है कि कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ या कितने परसेंट का वहां पर लॉस हुआ। तो स्टार्ट करते हैं वही सब क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बेईमान दुकानदार एक दोषपूर्ण तुला का प्रयोग करके सामान खरीदते समय तथा बेचते समय दोनों बार 5-5% का लाभ प्राप्त कर लेता है, है ना। जब वो सामान खरीद के लाता है तो भी अपनी जो खराब तराजू है उससे 5% कम वजन, मतलब ज्यादा वजन तोल लेता है, और जब बेचता है तो वहां पर भी 5% कम वजन तोलता है। तो इस हिसाब से उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो 5-5% दो बार उसको प्रॉफिट यहां पर हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट परसेंट होगा, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा ये होता है। इसके लिए फार्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो सीधे सीधे आपको 5 को रखना है, 5 + 5 + 5 × 5 / 100, और ये हो जाता है 5 × 5 = 10 प्लस 5 × 5 = 25, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, जो कि बन जाता है 10.25%। कितना बनता है? 10.25%। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन है वो ग्राम पर आधारित है, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के वजन के स्थान पर 900 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ठीक, अब 1000 ग्राम है टोटल, तो उसकी कीमत मान लेते हैं हम 1000 रुपये ही कीमत मान लेते हैं, 1000 ग्राम वजन 1000 रुपये ही उसकी कीमत मान लेते हैं, है ना। और वो कह रहा है कि हम वस्तुओं को क्रय मूल्य पर लाते, जिस मूल्य पर लाते हैं उसी पर बेचते हैं। तो यहां पर हम रखते हैं, एक साइड रखते हैं कॉस्ट प्राइस, एक साइड में रखेंगे सेलिंग प्राइस। तो 1000 रुपये में खरीदी गई, सेलिंग प्राइस उसका 1000 रुपये ही है, क्योंकि वो ऐसा दावा कर रहा है, लेकिन 1000 ग्राम की बजाय वो 900 ग्राम के बाट का या वजन का प्रयोग करता है। तो 900 ग्राम का वजन, यानी कि 900 ग्राम कितने का हो गया, 1000 ग्राम 1000 रुपये का है, तो 900 ग्राम कितने का होगा, 900 रुपये का। क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा भाई, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 100 × 100, और नीचे रखते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 900, 0 से 0 कैंसिल, और 100/9, 100/9 कितना होगा, 11, एंड 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9% यहां पर यह आंसर हो जाएगा। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन? चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है। अब यहां पर ग्राम की बजाय उसने फिर परसेंटेज में बात की और कहा कि 30% कम वजन का प्रयोग करता है, तो बिल्कुल इसी सेकंड क्वेश्चन वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये पूछा गया है। अब 1000 ग्राम 1000 रुपये की ही चीज हो गई, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 1000 में खरीदी, 1000 ही उसका सेलिंग प्राइस हो गया, लेकिन यहां पर वो 1000 ग्राम की बजाय 30% कम यानी कि 700 ग्राम वस्तु देगा, है ना, 30% कम वजन तोलेगा, तो इसका मतलब 700 ग्राम, 1000 का 30% कितना होगा, 300 ग्राम, माइनस करेंगे 700 ग्राम। अब 700 ग्राम चीज कितने की, 700 रुपये की, क्योंकि 1000 ग्राम 1000 रुपये की, तो 700 ग्राम 700 रुपये की, तो 700 रुपये कॉस्ट प्राइस, 1000 रुपये सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, प्रॉफिट हो रहा है 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इंटू 100, और नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 300 × 300/7, जो कि होता है 42 सही 6/7%। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 42 सही 6/7% उसे प्रॉफिट यहां पर हो गया। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे यहां पर कवर हो जाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। अब यहां पर वो क्या कह रहा है कि वो 44% हानि पर बेचेगा,
है ना, 44% हानि पर बेचता है और ऐसा दावा करता है, लेकिन 30% कम वजन भी तोलता है, तो उसको कितने परसेंट की हानि होगी, जो उसकी एग्जैक्ट लॉस होगा वो कितना होगा, है ना। तो अब 44% अगर वो कम तोले कम पर बेचेगा, यानी कि 1000 रुपये की कोई कॉस्ट प्राइस है और 40% कम करेंगे, तो 1000 का 40% होगा 440, 1000 में से 440 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 560, यानी कि वो 560 रुपये में उसको बेचने का दावा करता है 1000 रुपये वाली चीज को, लेकिन 30% कम तोलता है वजन में, 30% कम तोलता है यानी कि 700 ग्राम, और 700 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 700 रुपये, है ना। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इट मीन यहां पर लॉस हो रहा है, तो 560 रुपये उसका हो जाता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है 700 रुपये, तो लॉस कितने का हो रहा है यहां पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, लॉस होगा 140 रुपये गुणा 100, और नीचे रखते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि 700 × 14 × 5 = 70, है ना, 5 से 20 बार में एक कट जाना है, तो 20% यहां पर उसको लॉस हो रहा है ना। तो 44% की लॉस के साथ वो बेचने का दावा करता है और 30% वजन कम तोलता है, फिर भी उसे 20% का यहां पर लॉस हो जाता है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रॉफिट वाला। अब ये लॉस वाला हुआ, है ना, यहां पर लॉस हुआ और यहां पर उसने कम वजन दिया फिर भी उसे लॉस हुआ। अब प्रॉफिट वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, परंतु सामान बेचते समय 20% कम वजन तोलता है। अब 20% कम वजन तोलता है, 10% के प्रॉफिट पर बेचने का दावा करता है, यानी कि 1000 रुपये है, तो 10% कितना होगा, 100, और 1100 यानी कि 1100 रुपये में वह उसको बेच रहा है, जबकि वजन कितना तोल रहा है वो, 20% कम, यानी कि 1000 का 20% 200 कम, यानी कि 800 ग्राम का कीमत कितनी होगी, 800 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 800 रुपये, ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 300 गुणा 100, और नीचे रखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि 800, 0 से 0 कैंसिल, 4 दुनी 8, 4 से 4 सत्तर 28, 4 पंजे 20, 75/2, और 75/2 कितना होगा, 37/2, 37.5% यहां पर उसको प्रॉफिट हो जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, जहां पर हो रहा है उसको प्रॉफिट, क्लियर। चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक्स प्रतिशत हानि पर बेचने का दावा करता है, एक्स प्रतिशत की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देंगे, देखिए अब ये 1000 रुपये है, एक्स प्रतिशत हानि पर बेचने का दावा करता है, तो यहां पर जो विक्रय मूल्य है वो हमें पता होना चाहिए, लेकिन वो नहीं पता होगा जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि ये परसेंटेज कितनी है, है ना। ठीक, हम आ जाते हैं क्वेश्चन के इस साइड में। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20% कम वजन तोलता है, तो 1000 की बजाय 20% कम करेगा, 200 कम करेगा, यानी कि कितना, 800 ग्राम, और 800 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 800 रुपये। अब एक चीज ध्यान देते हैं कि वो प्रॉफिट कितना मांग रहा है, 20% का लास्ट में प्रॉफिट भी कह रहा है, जो हमारा अभी तक हम निकाल रहे थे, अभी तक क्या निकालते थे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो निकालते थे वो उसने दिया हुआ है, तो हमारे को दिया हुआ है 20%, और 20% किसके बराबर होता है, 20/100, परसेंटेज हटाते हैं 100, और जो कि बराबर होगा कैंसिल कर लेंगे, 20 + 20 और 20 × 100, तो ये बना है 1/5। अब इस 1/5 में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो प्रॉफिट होगा, और लॉस परसेंटेज दिया है तो लॉस होगा, ठीक है। तो एक हमारा प्रॉफिट हो गया, 5 हो गया कॉस्ट प्राइस, और 5 और 1 को जोड़ने से, 5 और 1 को जोड़ने से बनेगा 6, वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस। क्या होगा, सेलिंग प्राइस, क्लियर हुआ। नीचे वाला 5 कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला 1 प्रॉफिट, और दोनों को जोड़ने से बनेगा सेलिंग प्राइस। अगर ऊपर 1 लॉस में होता, यहां लॉस दिया होता तो लॉस होता, तो इन दोनों को घटाने से बनता सेलिंग प्राइस, क्लियर। अब इस 5 को कंपैरिजन कराना है हमें 800 से, क्योंकि वहां पर कॉस्ट प्राइस और यहां पर 800 कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब इस 5 को जो कॉस्ट प्राइस है, इसको कंपैरिजन कराना है हमें 800 से, क्योंकि दोनों कॉस्ट प्राइस है, 5 बराबर है 800 के, तो ये 6 सेलिंग प्राइस,
ये कितने के बराबर होगा, 800 बटे 5 गुणा 6, तो 5 से ये 160 बार में कट जाएगा, 16 6 96, 960 रुपये आ जाएगा। और 960 क्या हो जाएगा, ये वाला सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। यही तो हमें निकालना था, सबसे पहले तो हमें यही निकालना है, तभी तो हम बता पाएंगे कि x परसेंट जो हानि हुई है वो कितनी है। ठीक, तो 960 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब 960 सेलिंग प्राइस है और हमारा यहां पर 1000 रुपए की वो चीज थी, कॉस्ट प्राइस 1000 था, 960 रुपए की रह गई, तो कितने का लॉस हुआ, परसेंटेज लॉस हुआ 40 गुणा 100 और नीचे रखेंगे 960, 0 से 0 4 दुनी 8, ठीक है, और 4 चौक 16 और 4 से फिर कट जाएगा, 4 छिंग 24 और 25, तो ये हो गया 25 बटे 6, और 25 बटे 6 होगा 6 चौक 24, 4 से ही 1 बटे 6 प्रतिशत, 4 से ही 1 बटे 6 प्रतिशत आंसर यहां पर बन जाएगा। तो क्या किया हमने, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, 1000 ग्राम है, 1000 रुपए की है, ठीक है, x परसेंट हानि पर बेची जानी है हमें नहीं पता, सीलिंग प्राइस नहीं पता, और x परसेंट हानि क्या है वो नहीं पता, लेकिन x का मान पूछा जरूर है, ठीक है। 20% कम वजन तोलता है, यानी कि 800 ग्राम कितने की होगी, 800 रुपए की, 20% का प्रॉफिट मिलता, 20% प्रॉफिट यानी कि 20% बराबर होगा 20 बटे 100 यानी कि 1 बटे 5, ऊपर 1 हो जाएगा प्रॉफिट और 5 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और दोनों के योग से बनेगा 5 और 1 6, वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक। अब 5 जो कॉस्ट प्राइस है उसकी कंपैरिजन कराई हमने 800 से, तो 5 हो गया 800, तो 6 हमारा सेलिंग प्राइस वो कितना होगा, वो हो जाएगा 960, 1000 की चीज 960 में बिक रही है x परसेंट के लॉस के साथ, तो x परसेंट का जो लॉस है वही हमें निकालना है, 40 गुणा 100 बटे 960 जो कि 4 से 1 बटे 6% हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं और जरूर पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, तो ये बताना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसी तरह की वीडियो हम और भी आगे लगातार लाते रहेंगे, कंटिन्यू लाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट तुरंत मिलते रहें, सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।